अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। जी आज हाजिर खिदमत है कचनार मटर और कीमा, मटन का कीमा। दोस्तों मैं अपने ऑफिस से आया था तो खाला जान लगी हुई थी बनाने। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने दोस्तों को दिखाना है। मैंने फिर फटाफट कैमरा निकाला और वीडियो बना ली। ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर इसको अच्छी तरह ये भून जाए, फिर इसके अंदर अच्छा अच्छा सही। तो दही नहीं डालो, कीमा मटर को भून के फिर दही डाल के भून के इसमें ज्यादा सा दही जाता है, फिर उसी से टेस्ट फ्लेवर आता है। फिर कचनार डाल देंगे तो माशाल्लाह हमारी अच्छी सी सब्जी रेडी हो जाएगी। आप दोस्त देख सकते हैं ये कचनार है, पानी के अंदर डाल के रखी। पाकिस्तानी ग्रोसरी से लाए थे हम ये सब्जी, क्योंकि आम तो मिलती है करामा वाली साइड पे ना, करामा वाली साइड है ना। तो भाई करामा वाली साइड पे पाकिस्तानी ग्रोसरी है, यहाँ से हम लेके आए थे। जी दोस्तों फ्लेम नीचे से तेज कर दिया और ये आप देख सकते हैं पानी भी कचनार में से निकाल दिया। इसको हल्का हल्का ये क्या होता है, ये अच्छे से नहीं नहीं ये पैन क्या है, ये साफ पैन। जी अब योगर्ट जाने वाली है दही माशाल्लाह। दही को मैंने फेंट लिया अच्छे से, एक प्याली सारी दही डाल देंगे। इसका दही डालने से खट्टा खट्टा फ्लेवर बड़ा अच्छा डालता है। ये लोग कचनार को बॉईल करके पकाते हैं, पर इसको बॉईल करके पकाने का कोई मकसद नहीं है। ये वैसे ही दम में ही गल जाती है इतने अच्छे से। अब देखिए को डाल के भून लेंगे, फिर डालूंगी सबसे कचनार मजेदार। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी भून गया मसाला। और जब ये इस तरह ये छींटे बाहर आए ना, तो फिर सब्जी जो भी है यानी कि कचनार माशाल्लाह हम डाल देते हैं, डाल देनी चाहिए। अब इसको मैं हल्का सा एक दो चमचा चला के ना दम पे रख दूंगी। अब ये दम में गल जाएगी, फिर अंडे अच्छे से भून के तो हमारी सब्जी माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। साथ में बनाएंगे बलदार पराठे भी बना लेंगे, या रोटी को चौपड़ लेंगे घी लगा दी। नाज़रीन प्यारे दोस्तों ये आप देख सकते हैं फ्लेम को हल्का किया हुआ है और ये हड्डिया जो है दम पे लगी हुई है। जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा सी स्मेल आ रही है और ये पक के रेडी है माशाल्लाह। सुभानअल्लाह। साथ में हम ये चेक करेंगे, साथ में देसी घी के पराठे बन रहे हैं बलदार, और वो भी मेरी अम्मी के स्टाइल के, नानो अम्मी के स्टाइल के। बिल्कुल सिंपल और सदाबहार, ये देखें देसी तरीके का पराठा। जी अब का पराठा बेला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दही का मजे के साथ खाएंगे माशाल्लाह। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह बेला गया था पराठा, तवे के ऊपर आए ले देसी स्टाइल देसी स्टाइल और मजेदार पराठा, बहुत मजे का बनने वाला है। पराठे का एक साइड चेंज किया और उसको ऊपर बटर लगा दिया, बटर नहीं देसी घी देसी घी। जो अंदर इनसाइड घी लगाया था ना, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे वो फिर हो जाता है पेटों में ना, कुछ माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम पेट में जाएगा सब ठीक हो जाएगा। आज वो मजेदार पराठा रेडी है, अब दूसरा भी पराठा बनाता हूँ। खाला जान बनाती है और फिर मैं ही खाऊंगा सबसे पहले। जी अल्हम्दुलिल्लाह पराठे तो रेडी हो गए हैं और ये कचनार भी आ गई। जी बहुत मजा आने वाला है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।